बहुत सी जगह ऐसी मान्यता चलती है कि आत्मा भटकता रहता है। आत्मा जैन धर्म के अनुसार आत्मा तीन समय कि जब शरीर छोड़ा आत्मा ने, तो अपन ने जैसे यहाँ कोई मरा और हमने इतना बोला कि मर गया, इतना बोलने में उसको नया शरीर मिल गया, इतना भी टाइम ज़्यादा है, सिर्फ तीन समय आँख पलकने आँख झपकती है ना अपनी ऐसी, तो एक बार आँख के झपकने में असंख्यात समय लगते हैं और आत्मा इतनी तेज गति से परिणमन करता है अन्य जगह कि तीसरे समय में तो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसलिए ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि आत्मा भटकती रहती है। ये वो आत्मा भटकने का मतलब ही नहीं है कि साहब वो भूत बन गए, तो भूत भी तो आत्मा शरीर सहती है, उसका वैक्टेरिक शरीर है, वो दिखाई नहीं देता। तो लोगों ने ऐसी कल्पना चालू कर दी कि आत्मा भटक रही, क्योंकि तो अब शरीर दिखता नहीं, ये औदारिक शरीर दिखता है, वैक्टेरिक शरीर दिखता नहीं, तो लोगों को ऐसा लगा कि भूत के शरीर नहीं होता, उनने क्या कहना चालू कर दिया कि वो आत्मा भटक रही है। वो आत्मा भटक नहीं रही, आत्मा भूत नाम का देव बन गया, व्यंतर बन गया, तो व्यंतर का शरीर अपने को दिखाई नहीं देता, उसके कार्य दिखाई देते हैं, तो वो अमूर्त होता है ना, तो अपन को समझ में नहीं। तो अपन ने सबने लोगों ने ऐसी कल्पना कर दी कि साहब वो तो आत्मा भटक रहा है जन्म जन्म, आत्मा कभी नहीं भटकता, वो तो भाई जिस शरीर यहाँ से छोड़ेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। और देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार आयु पर्यंत उसी निमित्त नवीन शरीर धारण करता है, वहाँ भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, फिर संबंध होता है, फिर मरण होता है, ऐसा कब से चला आ रहा है, अनादि काल से चला आ रहा है। कैसा चला आ रहा है, ये जीव माने मैं नए नए शरीर धारण करता हूँ, जितना आयु क्रम होता है उतना उस शरीर में रहता हूँ, दूसरा शरीर, जैसे किराए के मकान बदलते हैं ना लोग, 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, किसी में 2 साल रहे, किसी में 3 साल रहे, किसी में 5 साल रहे, ऐसे ही हम अनादि काल से ये शरीर बदलते आ रहे हैं, और फिर भी अपन को समझ नहीं आता कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर बदल जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, हैं? अभी अपने को ये शरीर मिला है तो अपन इस शरीर में एकत्व कर बैठे, ये जो शरीर का रंग रूप है इसको अपना मान के बैठे, अंतरंग से निर्णय नहीं करते, विचार नहीं करते कि अरे ऐसे कितने शरीर बदल दिए, ये शरीर मैं थोड़ी हो सकता हूँ, ये शरीर की अवस्था मेरी अवस्था कैसे हो सकती है। देखो शरीर बचपन में कितना छोटा सा था, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, जवान हो गए, बुढ़ापे की ओर बढ़ गए, अब जब बुढ़ापे की ओर बढ़े तो शरीर वैसे ही हो गया कि नहीं हो गया, वैसे ही हो रहा है ना सब। तो भैया इससे निर्णय करो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर की जो अवस्थाएँ बदल रही हैं ये मेरी अवस्थाएँ नहीं हैं, ऐसा अंतरंग में निर्णय करोगे तो शरीर से एकत्व टूटेगा, और अगर शरीर से एकत्व टूट गया तो समझ लेना सब जगह एकत्व टूट गया, क्योंकि शरीर से ही सारा एकत्व चल रहा है। जब हम अपने को शरीर से देखते हैं ना, तभी हमें मम्मी पापा भाई बहन सब दिखाई देते हैं, अगर हम अपने को शरीर रूप नहीं देखें, आत्मा देखें, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, 100% सत्य है कि नहीं। देखो क्या कहते हैं, तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे हो गया, तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। यह जो अपना आत्मा है यह असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी माने आत्मा इतना बड़ा है, अगर संकोच विस्तार से हटो तो पूरे लोकाकाश में फैल जाए, क्योंकि ये लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है और आत्मा भी कितना प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी। तो जब समुद्घात होता है तो यह आत्मा पूरे लोक में फैल जाता है, ख्याल लोकाकाश में पूरे। अभी जैसे मान के चलो विदेह क्षेत्र में भगवान विराजमान है, वहाँ केवली भगवान बनते हैं, और वहाँ किसी केवली भगवान का भी समुद्घात हो तो उनके आत्मा के प्रदेश अपने शरीर के अंदर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, समझ में आए, निकलेंगे।
क्योंकि वे लोकाकाश का समुद्घात होना है, तो उस लोकाकाश में हम भी हैं और उसी लोकाकाश में वो भी है। तो जब पूरे आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैलते हैं तो कई दफ़े हमारे अंदर केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं हमारे अंदर से, हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वे अमूर्तिक होते हैं, समझे ना। और देखो सारे आत्माओं के बीच में से एक आत्मा निकल जाता है, ख्याल में है कि नहीं आया। इसलिए वो आत्मा है तो असंख्यात प्रदेशी, लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। संकोच विस्तार की शक्ति है माने आत्मा, अभी जैसे अभी आत्मा के प्रदेश पूरे जितना ही शरीर इतने में फैले हैं, और अगर हाथी के शरीर में चला जाए तो हाथी जितना फैल जाए, ख्याल में ना, मान के चलो और बड़े शरीर में चला जाए तो और फैल जाए, और चींटी बन जाए तो सिकुड़ जाए, निगोदिया बन जाए तो। ऐसी आत्मा के अंदर संकोच विस्तार की शक्ति है।